हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट पराठा, जो हमारे हेल्थ और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे हम बड़ों को, बच्चों को, सभी को खिला सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और बहुत सारे विटामिन होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले आटा लिया था, उसके बाद बीट रूट को हमें पीस कर और फिर उसका एक पेस्ट बना लेना होता है। फिर हम आटे में इस पेस्ट को मिला लेते हैं। उसके बाद हमें आटे में नमक डालना होता है स्वाद अनुसार, तो आप नमक ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें अजवाइन और मंगरेला डालते हैं। उन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छे तरह से मिला लेना है हाथ की सहायता से। उसके बाद इसका जो है सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको जो है मैं बेल रही हूँ, आपको भी इसी प्रकार बेल कर, और इसके परांठे जो है आप घी के साथ बनाइए या फिर ऑयल रिफाइंड, जिसका टेस्ट आपको समझ में आता है, आप उसके साथ इसे सेकिए। इसे क्रिस्पी होने तक सेकिए, ताकि ये आपको अच्छा लगे। और इसको जो है आप रायते या फिर अचार या सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बट इसमें जो है आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी होता है कि आप इसे विदाउट सब्जी भी खा सकते हैं। इसे आप मीठी चटनी या फिर मीठी दही के साथ भी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पराठा रेडी हो गया था। तो इसे मैंने मूंग दाल रायते के साथ सर्व किया है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये रायता। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता दूंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईट हेल्दी और बी हेल्दी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।